कुरान में बिल्कुल सादा और सिंपल अल्फाज में कहा है कि जालमीन, काफिरीन और तीसरी जो है वो है मुनाफिकीन। और एक शख्स अपने दफ्तर में बैठ के फिरौन बने, अवाम पे जुल्म करे, ज्यादतियाँ करे, हक वाले को उसका हक ना दे, लेकिन जब मस्जिद में आए तो अल्लाह को सजदा रेज हो और ये समझे कि मैंने जो भी किया है वो माफ़ हो जाएगा। अहदीस में आता है ऐसा शख्स जो किसी का हक खा के और ये पता है कि मैंने उसको वापस नहीं करना, फिर अगर अल्लाह के यहाँ आके अस्तगफार करता है, अल्लाह तआला की ज़ात कहती है मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ऐसा शख्स जो ये नीयत रखे कि मैंने किसी का हक खा लिया है, किसी पे जुल्म कर लिया है, उसको मैंने ना माफ़ी मांगनी है ना मैंने उसका हक देना है, तो ऐसे शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे लानत भेजता है। ये ना समझिएगा कि तौरात पे जो लोग यकीन नहीं रखते थे वो अगर काफिरीन है और जो अंजील पे नहीं रखते थे वो काफिरीन है, जो कुरान पे नहीं रखते और वो मुसलमान है, ये नहीं हो सकता। जो कुरान पे भी अपना यकीन ना रखें, कुरान पे भी अमल ना करें, वो भी काफिरीन में से हैं। ये ना समझिएगा कि हम सिर्फ नाम के ऊपर ऊपर से मुसलमान हो जाएं और अंदर से हम जालिम हों, जाबर हों, ये नहीं हो सकेगा। माय डियर, आज का मैसेज मेरे अपने लिए, मेरे यंगस्टर्स के लिए और मेरे सामईन के लिए कि खुदा के लिए किसी का हक ना खाइएगा, किसी के साथ ज़्यादती ना कीजिएगा, जुल्म ना कीजिएगा। अगर ये सारे काम खुदा ना खास्ता मैं और आप करें और फिर हम अपने आप को बड़ा मुत्तकी समझें, अल्लाह ताला ने लानत भेजी है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे, ना हम काफिरीन में से हों, ना हम जालमीन में से हों, ना हम फासिकीन में से हों। उम्मीद करता हूँ कि हम कुरान पे अमल करेंगे। कुरान चूँकि पिछली तमाम आसमानी किताबों पे बिलीव का यकीन दिलवाता है कि पिछली किताबों पे यकीन रखोगे तो कुरान पे यकीन है। ये नहीं है कि हम मुसलमान हों सिर्फ हम बाकी किताबों को माने ना और हम कुरान को मान लें, ऐसा नहीं है। उन किताब क्योंकि वो तहरीफ शुदा है, कुछ बहुत सारी कुतुब में उसमें प्लस माइनस है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो वही किताबें जो आसमान से उतरी हैं, क्योंकि हर नबी पिछली किताब की वेरीफिकेशन के लिए पिछली चीज़ को वेरीफाई करता है, फिर अपने चूँकि तमाम कुतुब अल्लाह की तरफ से आई हैं ना, ये सहीफे, ये किताबें, ये जो भी है नाजिल हुई हैं अल्लाह के ताला की तरफ से हुई हैं। ये नहीं हो सकता कि फ़लाँ बुक ठीक है, फ़लाँ ठीक नहीं है, फ़लाँ पे बिलीव करते हैं, फ़लाँ पे नहीं करते, ऐसे हरगिज़ नहीं है। इसलिए हमें नाम के नहीं बनना, हमने अमल के करना है। अमल के हमने उस पर अमल करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।